जाए तो मंडियों में तो रेट मिल नहीं पाता, लगभग 3 रुपये 4 रुपये किलो जाता है, तो वहाँ तो ले जाना हमारा लागत ही नहीं निकल पाती है। फिर यहाँ औषधि केंद्र में जानकारी हुई तो यहाँ जो आंवले के प्रोडक्ट बनते हैं उनमें जो रॉ मटेरियल होता है कच्चा, वैसा हम तोड़वा के और पहुँचाते हैं। रेहटी प्रसंस्करण केंद्र द्वारा हर वर्ष लगभग 60 क्विंटल आंवलों का प्रसंस्करण विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में किया जाता है और इन औषधियों को संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्रों और ट्राइफेड जैसी संस्थाओं द्वारा खरीदा जाता है। साथ ही यहाँ के विक्रय केंद्र, निजी वैद्यों और वार्षिक वन मेले के माध्यम से भी ये औषधियाँ लोगों तक पहुँचती हैं। तो क्या हम समझें कि मार्केटिंग यहाँ कोई समस्या नहीं है? हमें समस्या ये है कि हम औषधि बनाने का काम तो बहुत लार्ज स्केल पे कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्था भाई चैनल हमारे पास नहीं है। मार्केटिंग की समस्या के बावजूद रेहटी प्रसंस्करण केंद्र द्वारा हर वर्ष लगभग 40 लाख रुपए का व्यवसाय किया जा रहा है। कहना होगा कि रेहटी प्रसंस्करण केंद्र सही दिशा में उठाया गया एक कदम है और आज ऐसे ही और भी प्रसंस्करण केंद्रों को ग्राम स्तर पर स्थापित करने की आवश्यकता है। पर बात इतने पर ही समाप्त नहीं होती, क्योंकि आज रेहटी जैसे और भी प्रसंस्करण केंद्र हैं जहां आंवलों का उत्पादन या उनकी उपलब्धता तो कोई समस्या नहीं है, पर मार्केटिंग चैनल्स के अभाव में बहुत सीमित मात्रा में ही प्रसंस्करण हो पा रहा है। और फिर आंवलों के विदोहन, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित सही सही आंकड़े भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो शायद एक मॉनिटरिंग सिस्टम से बात बन सके, एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से हम जान सकें कि किस क्षेत्र में कितने आंवलों का उत्पादन हो रहा है, किस मात्रा में इनका प्रसंस्करण हो पा रहा है और आज बाजार में कितने आंवलों या आंवले से बनने वाले उत्पादों की मांग है और क्या ये उत्पाद समय रहते बाजार तक पहुंच पा रहे हैं। उससे कभी कभी क्या नुकसान भी हो जाता है, जो मटेरियल बच जाता है वो फिर अगर ज्यादा मटेरियल बना लिया और नहीं बिका तो नुकसान भी होता है उससे। तो समाधान क्या है? पर क्या समाधान समस्या में ही छिपा नहीं है? जरूरत है समस्याओं को भर आंख देख लेने की। तो आंवले के विकास के लिए हमको जंगलों में रोपनी करना पड़ेगी, आंवले के विकास के लिए हमको पंचायत स्तर पर, रेंज स्तर पर उन पौधों की नर्सरी लगा करके उनका रोपण करके उन के वंश की रक्षा करना पड़ेगी। जो भी औषधियां उनको चाहिए वो नर्सरी से यहाँ से प्राप्त कर लें, लेकिन जंगल की जो औषधियां हैं उनको वो नष्ट नहीं करें। तो बिना सहकार के लोगों को अपने सहकारिता में लेकर, और जब तक हम इस दिशा में नहीं चलेंगे तब तक ये इसको पुनर्स्थापित करना असंभव है। हम टूल्स दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं तोड़ो ऐसे तोड़ो, या फिर लोकल बॉडी को पेनल्टी लगा सकती है कि भाई आपने पेड़ क्यों काटा है, आप पर पेनल्टी, आपको आपसे कोई नहीं खरीदेगा आंवला अगली बार से। तो इस तरह के लोकली लोग निर्णय करके, उनके हाथ में अधिकार है, पावर है, लेकिन उनको अवेयरनेस हम लोग दें, आपके वीडियो के माध्यम से, आपके आप लोगों की संस्था के माध्यम से या वन विभाग के माध्यम से, हम लोग केवल उनको अवेयर कर दें कि तुम लोग ऐसा करो तो ये हो सकता है। कि कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाए केवल आंवला के लिए नहीं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जिसको कहते हैं, उस क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र के जो जो प्रचुर मात्रा में होने वाले लघु वनोपज हैं उनके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाई जाए, वहाँ पे उनको मिनिमम लेवल का प्रोसेसिंग करके उनको शेल्फ वैल्यू जो लाइफ बताते हैं कि जो उसको रखने की क्षमता है उसको बढ़ाई जाए, और लोगों को जब मार्केट में अच्छा प्राइस हो उसमें बेच के उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था संघ को करना चाहिए, लघु वनोपज संघ को। मार्केट इज बीइंग रूल्ड बाय द ओल्ड टाइप ऑफ सिस्टम जो कि क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, और इस वजह से हमारा डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग भी हो रहा है, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस में भी डिस्ट्रक्टिव नेचर दिखता है, और जो नया मतलब एक्सीटू जो हम इसकी बात कर रहे थे कि जंगल के बाहर भी आंवलों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसको भी इसी वजह से बहुत तेजी से हम चला नहीं पा रहे। अच्छी तरह से एक डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है, इस डेटा के माध्यम से ही किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, जैसे मैंने कहा प्रसंस्करण केंद्र लगना है तो उसको मात्रा कितना है, इसका क्वांटिटी कितना है, क्वालिटी क्या है, ये सब जानकारी के बाद ही खोलना चाहिए CFC, अदरवाइज जब खोल दिया पता चला कि वहाँ पे उतना क्वांटिटी होता ही नहीं है। तो ये सब डेटा की सबसे पहले आवश्यकता है, बिना डेटा के करेंगे तो फेलियर के अंदाज ज़्यादा रहते हैं। गवर्नमेंट को डायरेक्ट किसानों को तो सहयोग देना चाहिए, कुछ तो अनुदान के रूप में, कुछ फैक्ट्रियां जो हैं
बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डावर है, बेदनाथ हैं, उनके आसपास फैक्ट्रियां हों, तो किसान इस बागवानी से और जुड़ जाएंगे तो उनको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। बीच में जो होते हैं बिचौलिए वो खत्म हो जाएंगे। मार्केटिंग लिंकेजेस भी हम जैसे MFP पार्क दे सकते हैं कि भाई आप अच्छी क्वालिटी का लाइएगा, आपके सब वेल रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब चीज़ें होंगे, आप तो मैं लेने को तैयार हूँ, अधिक दाम देने को तैयार हूँ। यह इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इंटरनेट पर ही एक पोर्टल बनाया जाए जिसमें समितियों के पास जो आइटम है उसको हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, जिसको खरीदना है उसमें देख करके अपने ले सकते हैं। सो अनलेस दिस कलेक्टर्स एंड परचेजर्स मीट टुगेदर, मे बी ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म और मे बी ऑन द फिजिकल प्लेटफॉर्म, तब जाके ये मार्केटिंग लिंकेजेस अच्छा से बन जाएगा और ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इसकी मार्केटिंग हो सकेगी। विक्रय के लिए हम चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार के जो उद्यम हैं, जो विक्रय केंद्र है, वहाँ पर हमारी औषधियों का विक्रय करने के लिए हमको अनुमति मिले। रिटेल चेन है आजकल, मॉल्स के हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह के, जहाँ उनसे जो ऐसे प्रोड्यूस जिसमें कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ना हो, उस तरह के प्रोडक्ट्स जो को मार्केटिंग कर सकते, उससे वॉल्यूम जनरेट होगा तो और भी लोगों को यहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा, और यहाँ बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो लोग कलेक्टर्स हैं उसके अधिक से अधिक प्रोड्यूस हम लोग ले पाएंगे। इन सुझावों को धरातल पे लाना आज वन विभाग के सामने एक बड़ी से बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती तो जैसे एक निमंत्रण है, एक बुलावा है, हमारी क्षमताओं पर एक भरोसा है कि हम कोई पहल करें, कि हमारा एक छोटा सा प्रयास भी किसी बहुत बड़े बदलाव को अंजाम दे सकता है।